आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। मालेगांव सेंट्रल के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अलग अलग प्रकार का स्वच्छता का ठेका निकले इसका लेटर दिया था, लेकिन उनके लेटर पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और एक ही टेंडर निकला, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने भी अखबार के अंदर पढ़ा था और फोटो भी छपा था अखबार में कि शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमारे कमिश्नर साहब को लेटर दिया, मेमोरेंडम छपवाया, अखबार के अंदर खबर छपी, यूट्यूब पर आई कि भाई अलग अलग प्रभाग वाइज टेंडर निकलना चाहिए। लेकिन जो टेंडर कॉल हुआ है, जो टेंडर निकला है, वो पूरे शहर का एक ही टेंडर निकला है। तो इसका मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की बात नहीं मानी गई, उनके मेमोरेंडम को नहीं कबूल किया गया। ये तो हमारे शहर के MLA की अगर बेइज्जती है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शहर के मोहतरम MLA हैं, उनकी बेइज्जती हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो मैनेज हो गए होंगे तो ये एक अलग बात है। उनका कोई सेटलमेंट हो गया होगा इसलिए उनकी बात को नहीं मानेंगे, या उनका दबदबा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और चंद महीने बचे हुए इंशाल्लाह जब भी नहीं रहेगा। नहीं, उनका दबदबा तो मालेगांव से लेके मुख्यमंत्री तक का, उनका मतलब जो गाड़ी में घूमते हो बताते हैं हमारा बहुत अच्छा संबंध है, फिर उनकी बात नहीं मानी जा रही। ऐसा है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं, ना इनका कल दबदबा था, ना आज है और ना कल रहेगा। ये सिर्फ अपने निजी लोगों में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करना और छोटे छोटे लोग को डराना, ये काम इनका है, और YouTube के ऊपर बड़े बड़े बयान दे देना, इनके दबदबे से शहर को क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? इनका जाति मुफाद तो हासिल हुआ होगा, लेकिन शहर को कुछ मिला नहीं, शहर ये बात को समझता। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि कमिश्नर, एक सवाल कि कमिश्नर के कटाव, कमिश्नर भगाओ, फिर कमिश्नर सेटलमेंट, अभी चार प्रभाग को टेंडर अलग अलग दिया जाए कि शहर में स्वच्छता अच्छे से होंगी, तो इसके पीछे कहीं उनके लोगों को इसमें डालने का कारण तो नहीं? ऐसा है कि हर डेम ये सेटलमेंट कर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कि हमारे पालक मंत्री दादा भुसे साहब की मौजूदगी में जब वो कुछ अभ्यास कमेटी, स्टडी कमेटी, पावर लूम बुनकरों के ताल्लुक से लोटस हॉल में मीटिंग हुई, तो उस वक्त तो शहर के बुनकरों को ये बोलकर जमा किया गया कि कंपनी भगाओ, पावर कंपनी भगाओ, शहर बचाओ। खामोश हुआ, उसके बाद एक मेमोरेंडम दिए, उसके बाद ऐलान किया गया कि कमिश्नर हटाओ, शहर बचाओ। कुछ किया गया? नहीं किया गया। और हर वक्त ये इस तरीके का सिर्फ गुमराह आवाम को करने वाला बयान देते हैं और ये दूसरे मिनट के अंदर भूल जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं रहता है, और उसके बाद ये सेटलमेंट कर लेते हैं। ये सेटलमेंट MLA है, हर वक्त सेटलमेंट की सियासत करते हैं, दड़ जोड़ की सियासत करते हैं। इनको शहर की आवाम से कोई लेना देना नहीं है, ये बात अब आवाम समझ चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर और अच्छी तरीके से आवाम समझ जाएंगी, और हम अपोजिशन के अंदर है, आवाम को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।